इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तीन लोकसभा लगती है, निश्चित रूप से आज मतदान में जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूँ, जो मोदी जी के प्रति प्यार है, जो 10 सालों के कामों को जो स्वीकृति देश की जनता दे रही है, मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा चुनाव के जिस मतदान चल रहे हैं उसमें प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सभी दूर मतदान हुआ है, देवास में अभी तक कम प्रतिशत हो रहा है। निश्चित रूप से देवास में थोड़ा सा कम प्रतिशत जरूर हुआ है। अभी हमने सभी शक्ति केंद्रों पर, मंडल पर और हमारे कॉल सेंटरों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए लोगों को घर घर जा से निकाला जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब एक तरफा चुनाव होता है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होती, तो जनता में इस प्रकार का थोड़ा सा वो निरसता टाइप होता है कि वो धीरे से मतदान करती है। और मुझे लगता है कि अब 12 बजे के बाद जनता तेजी से निकलेगी और शाम को 6 बजे तक 100% मतदान होगा। कुछ मतदान केंद्रों पर अभी विरोध भी देखने को मिला है। निश्चित रूप से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जिस प्रकार से बुर्का पहनकर परिचय पत्र के आधार पर उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो रही थी, वहाँ पर इस प्रकार के कुछ विवाद आए थे। मैंने प्रशासन से भी बात की है और कहा है कि भैया चुनाव आयोग के सारे निर्देशों का पालन होते हुए मतदान हो, शांतिपूर्ण मतदान हो और पूर्ण मतदान हो, सबको स्वतंत्रता के साथ पूरे जांच के बाद ही मतदान करने दिया जाए। 400 पार पूछ लो भैया, आपकी बात 400 पार का नारा है, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो आज धरातल पर साकार होता नजर आ रहा है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि 2019 में भी हम 400 पार के नारे के साथ देश की संसद चला रहे थे। जब 400 पार के नारे के साथ हम देश की संसद चला रहे थे, तो आज तो 400 पार बहुत आसानी के साथ हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे और देश में एक स्थायी सरकार और एक ऐसी सरकार जो आने वाले भारत के भविष्य को सुरक्षित करने वाली सरकार होगी। कांग्रेस लगातार गिरी, लोकतंत्र को खतरा हो गया 400 पार अभी। कांग्रेस कोई खतरा है, कांग्रेस ही समाप्त हो गई है। मुझे नहीं लगता अभी अब कांग्रेस 25-30 साल तक कोई अस्तित्व में रहेगी इस देश में। ठीक है, धन्यवाद।